ईशा की शादी के साथ साथ मीत बहू और मीत पुत्र की शादी दोबारा करा के। क्या हुआ, तुम लोगों को कुछ कहना है? डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं क्या नहीं कर सकता? इनकी लाइफ का सवाल है, ये फैसला भी इन दोनों का ही होना चाहिए ना। मासूम, आज कई सालों के बाद तुमने सही बात की है। तो फिर मीत बहू, तुम बताओ भाई। हाँ पुत्र, तुम दोनों ये शादी करने के लिए राजी हो? मेरी इन्वेस्टर्स के साथ क्रूशियल मीटिंग है। मैं लेट हो रहा हूँ, हम इस बारे में बाद में बात कर लेते हैं। राइट, ओके। मैं दौड़ू राम ने बेस्ट ऑफ लक बोल कर आती हूँ, इन्वेस्टर की मीटिंग के लिए जा रहे हैं। ओके। दौड़ू राम, देखा तुम लोगों ने, शादी की बात जैसे ही मैंने छेड़ी, ये दोनों शर्मा के कैसे यहां से रफ चक्कर हो गए। मुझे बुरा यकीन है, ये लोग री मैरिज के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे, आप देखना। सुतली बम, पापा जी की तरफ से तुझे बधाई देने आई थी मैं। साथी का सूचक कर जिया, और मैं यहाँ तुम्हारी नकली बीवी बनने की एक्टिंग करने आई हूँ, और तुम्हारी असली बीवी बनने नहीं आई हूँ। हाँ, मैं कमारी बुड्ढी हो जाऊंगी, पर तुम्हारे जैसे जल्लाद से शादी नहीं करूंगी, इतनी पागल नत्थिया मैं। चलो, तुमने माना तो सही कि तुम्हारा स्क्रू ढीला है, शादीशुदा हूं मैं, वरना मैं भी यही कहता। और वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मैं तुम जैसी अड़ियल लड़की से शादी करूं, इम्पॉसिबल। एक्सक्यूज मी, ऐसी बात है तो अभी जाकर बोल दे पापा जी से, क्या शादी नहीं हो सकती। बेकार में उनके दिल में छोटी उम्मीद जगा के उनका दिल क्यों दुखाना। मैं उनसे बात कर लेता, अगर तुम इतनी बात करके मेरा वक्त बर्बाद नहीं करती, और अब मैं अपनी मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका हूं। सो यू हैंड, ऐसे भी क्यों कर रहे हैं? देख रहे, रिएक्शन ढंग से तो तूना होता तो क्या होता मेरा, तू आज भी मेरा कितना ख्याल रखता है, आज भी मेरे से प्यार करता है, करता है ना दौड़ू राम? लोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।